मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवैध प्लॉटिंग को लेकर राज्य के सभी नगर निगमों और सभी जिला के कलेक्टरों को सख्त आदेश दिए थे। बावजूद इसके दुर्ग भिलाई में जिला मुख्यालय से लेकर गांवों तक अवैध प्लॉटिंग व अवैध कॉलोनी का जाल बढ़ता ही जा रहा है। यहां कॉलोनी बनाने के लिए कॉलोनाइजरों को फायदा पहुँचाने के लिए बिना अनुमति प्लॉट की धड़ल्ले से बिक्री की गई। शिकायत के बाद अब अपर कलेक्टर दुर्ग अरविंद एक्का ने जिला प्रशासन की जांच टीम और निगम की जांच टीम गठित कर सभी जगह अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार ऐसे अवैध प्लॉटिंग करने वाले और दलालों पर कार्रवाई कर रही है। भिलाई नगर निगम के कुरुंद में नई प्लॉटिंग 10 से 15 एकड़ में कुरुंद गाँव में लगातार दो दो जगह पर हो रही है। ऐसे ही मामले भिलाई के स्मृति नगर, दुर्ग में रायपुर भिलाई हाईवे पर निगम की जमीन पर ताने गए अवैध निर्माण को जमीन दोज किया गया। वहीं दूसरी तरफ सस्ती जमीन के लालच में कई लोग अपनी पूंजी गंवा चुके हैं। सवाल यह है कि मजबूत ऑनलाइन सिस्टम का दावा करने के बावजूद इनकी रजिस्ट्री, नामांतरण व नक्शा कैसे पास हो जाता है। जाहिर है माफियाओं का यह खेल राजस्व विभाग, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और अफसरों के मेल के बिना संभव नहीं है। इस साठगांठ की कड़ी को तोड़ना जरूरी है। अवैध प्लॉटिंग तो किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए और आपके द्वारा जो शिकायत अभी हमको प्राप्त हुई है इस संबंध में संबंधित SDM और तहसीलदारों को तलब किया जाएगा, उनसे जाँच कराई जाएगी और अवैध प्लॉटिंग किए जाने पाए जाने पर उनको नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में भी SDM और तहसीलदारों से और जिला पंजीयक से प्रतिवेदन लिया जाएगा कि ऐसे दलाल जो सक्रिय हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।